Good morning to all my dear friends. I think you all are fine. Students, our topic is arithmetic progressions, class 10th NCERT, book. Today we are going to solve question number 9, 10, 11, and 12 of exercise 5.2. So let's start. Question is if the third and ninth terms of NAP are 4 and minus 8 respectively? स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू फोर बाद में नाइन्थ टर्म लिखा हुआ है सो so बाद में जो नंबर है माइनस एट दैट इज नाइन्थ टर्म रिस्पेक्टिवली आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे सो ए थ्री इज इक्वल टू फोर एंड ए नाइन इज इक्वल टू माइनस एट हमें ये बताना है कि इस ए पी की कौन सी टर्म जीरो है स्टूडेंट्स हमने टर्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम की है उसमें हमने ए की फार्मूला यूज किया है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी ये क्या है एन टर्म सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे हमें क्या मिला अगर हम एन की प्लेस पर थ्री रखें देन ए प्लस थ्री माइनस वन डी एंड ए नाइन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन डी अब ध्यान से देखिए इससे राइट हैंड साइड ए प्लस टू डी इज इक्वल टू फोर एंड ए प्लस नाइन माइनस वन एट डी इज इक्वल टू ए नाइन वैल्यू ऑफ ए नाइन माइनस एट अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं लीनियर इक्वेशंस क्यों है लीनियर क्योंकि इनकी डिग्री वन है कितने वेरिएबल हैं दो फर्स्ट ए एंड सेकेंड डी सो लीनियर इक्वेश इन टू वेरिएबल्स सो नाउ वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए एंड डी सो इसके लिए हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्शन में डाउन टर्म्स के साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं सबट्रैक्टिंग हम यहां पर फर्स्ट में से सेकेंड को सबट्रैक्ट कर रहे हैं सो so, यहां पर न्यूमेरिकल कॉफिसेंट क्या है प्लस वन और यहां पर माइनस वन सो कैंसिल आउट प्लस का टू माइनस का एट माइनस सिक्स डी प्लस एट प्लस फोर बिकॉज ये पहले माइनस एट था लेकिन अब प्लस एट सो प्लस का ट्वेल्व माइनस डी इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड बाय सिक्स सो स्टूडेंट सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व

हमने थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की वैल्यू का यूज किया और फार्मूले का यूज किया दिस फार्मूला फार्मूले का यूज करते हुए हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बट हमें फाइंड आउट फाइनली क्या फाइंड आउट करना है कि ए पी की कौन सी टर्म जीरो है सो so हमने मान लिया एनएथ टर्म जीरो है एनएथ टर्म जीरो का मतलब ए एन जीरो फर्स्ट टर्म ए वन सेकेंड टर्म ए टू सो एन एथ टर्म ए एन अगेन हम इस फार्मूले का यूज करेंगे ए और डी की वैल्यू यूज करेंगे सो वी गेट ए एन जीरो एट द प्लेस ऑफ ए एट प्लस एन माइनस वन डी माइनस टू स्टूडेंट्स नाउ जीरो माइनस एट बिकॉज पॉजिटिव इन राइट हैंड साइड सो नेगेटिव इन लेफ्ट हैंड साइड एन माइनस वन इन टू वी कैन राइट माइनस टू सो माइनस एट इज इक्वल टू एन माइनस वन और ये जो ये माइनस टू है ये मल्टीप्लाई में है सो वी कैन ट्रांसपोज इन डिवीजन इन लेफ्ट हैंड साइड नव नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल टू वन जा टू टू फोर ज एट फोर इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड फोर माइनस वन विल बिकम प्लस वन इज इक्वल टू एन इट गिवस फाइव इज इक्वल टू एन फ्रेंड्स वी गेट वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू फाइव फिफ्थ टर्म एन फाइव का मतलब फिफ्थ टर्म एन टेन का मतलब टर्म सो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी विल बी जीरो क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है कि गीवन एपी की जो सेवनटीन्थ टर्म है वो टेंथ टर्म से सेवन ज्यादा है हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ए सेवेंटीन है और ए टेन है उनका जो डिफरेंस है दैट इज सेवन वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी सो ए सेवनटीन इज इक्वल टू ए प्लस सेवनटीन माइनस वन डी a plus 16d also a 10 is equal to a plus 10 minus 1d a plus 9d so a 17 a plus 16d a 10 a plus 9d question 1 1a a 17 minus a 10 is equal to 7 so putting वेल्यूज ऑफ ए सेवनटीन एंड ए टेन सेवनटीन्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इन इक्वेशन वन सो इक्वेशन वन में पुट करेंगे जो कि गे वन है ए सेवनटीन ए प्लस सिक्सटीन डी माइनस ए टेन ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू सेवन एक्सीड करता है सेवन ज्यादा है दिस टर्म

हैंस इक्वल टू वन और जो ये डी है वही हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस इट मीन्स इस एपी की हर एक टर्म में वन एड हो रहा है नो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन इस एपी की कौन सी टर्म फिफ्टी फोर्थ टर्म जो है उससे वन थर्टी टू ज्यादा होगी देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 and we have to find out a 54. So, here first of all we will find out d a 2 minus a 1 successive term minus preceding term is equal to 15 minus 3 12. So, now we know that a n is equal to a plus n minus 1 d. So, students we have to find out फिफ्टी फोर्थ टर्म सो एट द्लेस ऑफ एन फिफ्टी फोर ए थ्री प्लस फिफ्टी फोर माइनस वन इंटू डी टिकवल टू थ्री प्लस फिफ्टी थ्री इंटू ट्वेल्व देखिये स्टूडेंट हम बोर्ड मास्क का यूज करेंगे सो पहले मल्टीप्लाई नहीं तो हम एडिशन भी कर सकते थे थ्री प्लस फिफ्टी थ्री फिफ्टी सिक्स हो जाता बट वी हैव टू यूज बोर्ड मास

वन हंड्रेड थर्टी टू प्लस फिफ्टी फोर्थ टर्म सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन एट दम इलेवन सेवन सेवन सो अवर रिक्वायर्ड नंबर इज सेवन हंड्रेड सेवेंटी वन स्टूडेंट्स अब हमें ये बताना है कि ये नंबर कौन सी टर्म है मीन्स गिवन एपी में ये किस पोजिशन पर आएगा सो लेट एस कंसिडर एन एथ टर्म लेट एन एथ टर्म इज सेवन हंड्रेड सेवनटी अगेन यूजिंग सेम फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी हमें नहीं पता कि एन क्या है हमें तो एन फाइंड आउट करना है नव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू थ्री प्लस एन माइनस वन एंड डी इज इक्वल टू ट्वेल्व नव स्टूडेंट सेवन हंड्रेड सेवनटी वन Plus 3 will become minus 3 n minus 1 into 12. It gives when we subtract, we get 768 is equal to n minus 1 into 12. And now this 12 will transpose in left hand side. So we get n minus 1 is equal to 768 divided by 12. 12 ones 12. टाइव जा सिक्सटी ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू नव ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट एन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर एंड नव फाइनल टू सिक्सटी फोर प्लस वन इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव मीन्स सेवन हंड्रेड सेवनटी वन सिक्सटी फिफ्थ पोजिशन पर होगा हैं फिफ्थ टर्म जो होगी वो वन हंड्रेड थर्टी टू ज्यादा होगी किससे फिफ्टी फोर्थ टर्म से ना स्टूडेंट्स लेटेस्ट सी सेकेंड मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर हाउ वी कैन फाइंड आउट टर्म्स दैट इज वन थर्टी टू मोर देन फिफ्टी फोर्थ टर्म हम वो टर्म कैसे फाइंड आउट करें जो फिफ्टी फोर्थ टर्म से वन हंड्रेड थर्टी टू ज्यादा है सो स्टूडेंट्स हम एपी में क्या करते हैं हम एपी में एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं सो फर्स्ट टर्म थ्री सेकेंड फिफ्टीन सो हमारा कॉमन डिफरेंस ट्वेल्व इट मीन ट्वेंटी सेवन देन ट्वेल्व एड किया अगेन 12। नाउ वी गेट फिफ्टी फोर्थ टर्म अगेन वी विल एड ट्वेल्व सो स्टूडेंट्स हम कितनी बार ट्वेल्व एड करेंगे कि वन हंड्रेड थर्टी टू इस टर्म से ज्यादा हो जाएगा देखिए अगर फिफ्टी फोर्थ टर्म है उसके बाद वो कौन सी टर्म होगी जो इससे वन थर्टी टू ज्यादा होगी मीन्स हम वन थर्टी टू एड कर रहे हैं लेकिन टुकड़ों में कितनी बार कितनी बार ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई ट्वेल्व बिकॉज वन टाइम ट्वेल्व सेकेंड टाइम ट्वेल्व थर्ड टाइम ट्वेल्व इट मींस हमने कितनी बार ट्वेल्व ऐड किया इलेवन टाइम्स सो टर्म्स तो हमने इलेवन ऐड की और नंबर कितना ऐड कर दिया वन हंड्रेड थर्टी नंबर तो फिफ्टी फोर्थ टर्म से वन हंड्रेड थर्टी टू ज्यादा हो गया लेकिन टर्म्स कितनी ज्यादा हुई इलेवन सो रिक्वायर्ड टर्म इज सिक्सटी फिफ्थ टर्म आई थिंक यू गेट इट नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में टू ए हैं अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सोल्व की उन सभी में हमने वन एपी ली थी नाउ टू एपीज और उनके बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है मीन्स इफ वी कंसिडर फर्स्ट एपी ए वन ए वन प्लस डी तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है ए वन प्लस डी माइनस ए वन मीन्स कॉमन डिफरेंस डी ए टू दिस इज ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन सक्सेसिव टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म इसमें भी कॉमन डिफरेंस आपका कितना है सक्सेसिव ए टू प्लस डी माइनस ए टू सो डी मींस दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है अब जो उनकी हंड्रेड टर्म है फर्स्ट एपी की भी और सेकेंड एपी की भी उनके बीच में डिफरेंस कितना है हंड्रेड नो एन टर्म फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी क्योंकि हमें हंड्रेड टर्म फाइंड आउट करने है सो so, एन की प्लेस पर हंड्रेड ए प्लस हंड्रेड माइनस वन डी ए प्लस नाइन्टी नाइन डी अगर हम फर्स्ट एपी में हंड्रेड टर्म फाइंड आउट करें तो दैट इज इक्वल टू ए वन प्लस नाइन्टी नाइन डी दिस इज हंड्रेड टर्म यस इन फर्स्ट एपी अगर सेकेंड एपी में आप फाइंड आउट करेंगे इन सेकेंड एपी आपकी हंड्रेड टर्म क्या होगी ए टू प्लस नाइन्टी नाइन डी ये भी हंड्रेड टर्म है नाउ इनका डिफरेंस सो व्हेन वी फाइंड आउट डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्टिंग, देन साइन चेंज सो दिस कैंसिल आउट वी गेट ए वन माइनस एट टू सो स्टूडेंट्स वी गोट डिफरेंस बिट्वीन हंड्रेड टर्म इन बोथ हैप्पी इज ए वन माइनस एट टू बट अकोर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है हंड्रेड सो ए वन माइनस एट टू इज इक्वल टू हंड्रेड लेटेस्ट कंसिडर इट इज वन नाउ क्योंकि क्वेश्चन में हमें थाउजेंड जो टर्म है थाउजेंथ टर्म उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन फर्स्ट एपी थाउजेंथ टर्म इन फर्स्ट एपी विल बी ए वन प्लस नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन डी ए प्लस एन माइनस वन डी एंड थाउजेंथ टर्म इन सेकेंड एपी क्योंकि सेकेंड एपी में हमारा जो ए है फर्स्ट टर्म दैट इज ए टू एंड नाइन 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 अगेन कॉमन डिफरेंस सेम सो अगेन सब्रेक्टिंग बिकॉज वी हैव फाइंड आउट डिफरेंस सो अगेन डाउन टर्म साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव सेम नुमेरिकल वैल्यूज अल्जबराइ टर्म्स आल्सो सेम सो कैंसिल आउट ए वन माइनस एट टू डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड टर्म्स इन बोथ हेप्पी इज इक्वल टू ए वन माइनस एट टू बट इट इज इक्वल टू हंड्रेड कैसे यूजिंग वन बिकॉज जब हमने हंड्रेड टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया ए वन माइनस एट टू और वही सेम डिफरेंस हमारा आया थाउजेंड टर्म्स के बीच में बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है हंड्रेड सो ए वन माइनस ए टू इज सेम सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हंड्रेड आई थिंक यू गोट इट इफ यू रिली गेटिंग देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए गुड डे